इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूं आदर्श झा। प्रदेश में एसवाईएल और राजधानी का मुद्दा कई चुनावों में बड़ा फैक्टर साबित होता रहा है, लेकिन वक्त के साथ मुद्दों की बिसात बदलती रही है। एक वक्त में जिन्हें चुनाव में ज्वलंत मुद्दे माना जाता था, अब उन मुद्दों की धार कमजोर पड़ गई है। युवा पीढ़ी को तो ये मुद्दे एकदम नहीं सुहा रहे हैं, हालांकि घोषणा पत्र में अब भी इन मुद्दों की चर्चा होती रहती है। दरअसल हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद हुए चुनाव में एसवाईएल चंडीगढ़ और अलग हाईकोर्ट के मुद्दे को उठाने का हर दिग्गज का अपना अंदाज होता था। 1980 के चुनाव में एसवाईएल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। इसके अलावा अलग हाईकोर्ट की मांग भी जोर शोर से उठी थी। तो 1991 के चुनाव में फिर से एसवाईएल का पानी सबसे हॉट इश्यू बन गया था। 1996 के बाद एसवाईएल का मुद्दा कमजोर पड़ने लगा था। 2004 के चुनाव में तो विकास बड़ा मुद्दा बन गया था। इनेलो और कांग्रेस दोनों ने ही इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा, तो 2009 में भी एसवाईएल का हॉट इश्यू सुनाई नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एसवाईएल और राजधानी के मुद्दे पर कई चुनाव जीतने वाली पार्टियों ने वक्त के साथ इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। आज की बड़ी बहस में एसवाईएल और राजधानी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। आप देखते रहिए बड़ी बहस लाइव। इन मुद्दों पर पांच बड़े सवाल हैं इंडिया न्यूज का। ये एक नजर उन सवालों पर डाल लेते हैं। क्या एसवाईएल का पानी चुनावी वादे भर से ज्यादा कुछ नहीं है प्रदेश के राजनेताओं के लिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार दावे वादे होते रहे, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश होती रही। दूसरा सवाल है, एसवाईएल जल विवाद का समाधान आखिर है क्या, और अगर है तो उसका इंतजाम अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया? और सवाल नंबर तीन, हरियाणा की राजधानी पर पार्टियों का स्टैंड क्या है? राजधानी विवाद भी दोनों ही राज्यों के बीच लंबे वक्त से बना हुआ है, और उसके बाद भी कई बार दावे होते रहे, लेकिन अभी भी किसी भी पार्टी का स्टैंड पर क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। सवाल नंबर चार, क्या प्रदेश की अलग से राजधानी होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। पार्टियां इस बात को स्पष्ट करें, लोगों से बात करें, उसके बाद स्पष्ट करें और तब जाकर आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन इनका हल कभी निकालने की नहीं सोची गई। और सवाल नंबर पांच, क्या चंडीगढ़ पर दावा छोड़ना ठीक रहेगा? यह ऐसा सवाल है जो हर आम आदमी के, हर जनमानस के मन में है, खास करके चंडीगढ़ आसपास रहने वाले लोगों के मन में। और इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने साथ मौजूद खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर इन मुद्दों का उनके पास जवाब क्या है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शक्ति परमार हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। गणेश चौहान साहब, वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सूरज पाल सिंह अम्मू नेता हैं बीजेपी के, वो कुछ देर में हमारे साथ होंगे। सतवीर डागर साहब हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे सारे मेहमानों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को बार बार घोषणा पत्रों में जगह तो मिलती रही, लेकिन इनका हल कुछ क्यों नहीं निकला, क्यों जनता को इसका कोई उचित जवाब नहीं मिल पाया। मैं डागर साहब से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। डागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डागर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये ऐसा मुद्दा है, एसवाईएल की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ये एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे वक्त से हरियाणा पंजाब दोनों की जनता के बीच में रहा, हरियाणा की जनता के खास करके उनके मन में रहा, उनकी जरूरतों की बात होती रही तो इस मुद्दे की बात जरूर होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये मुद्दों की लिस्ट में पिछड़ता चला गया, बात होती रही लेकिन पिछड़ता चला गया, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पिछड़ने के कई कारण हैं। एक तो हमारे जो ये एसवाईएल का जो मुद्दा है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इसमें किसी को कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी दल की। जिस तरह से पंजाब के अकाली और कांग्रेस वाले इकट्ठा हो गए, अमरिंदर सिंह कहते हैं कि भाई हम हरियाणा को कुछ नहीं देंगे, जो हमारे
नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका कोई शेयर हम हरियाणा को नहीं देंगे जी। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो इसी वजह से ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोई ज़्यादा ना तो हाय तौबा कर सकता ना हा उल्ला उस पर हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके अटका है, हमें ये चाहिए कि हम सारे दल, चाहे बीजेपी हो, हमारी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे INLD हो, ये एक किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसानों की किस्मत से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। इसमें चाहिए हम इकट्ठे होके, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से और एप्लीकेशन डालना कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि जो पानी SYL का पंजाब में पंजाब से होता हुआ पाकिस्तान चला जाता है, उसका ना तो पंजाब के किसानों को कोई बेनिफिट मिल रहा है जी, ना हरियाणा के किसानों को बेनिफिट मिल रहा है। देश हित में ये एक डिसीजन होना चाहिए इसका कि हम सब मिलके इसको फैसला करें कि भाई जो पंजाब से पानी पाकिस्तान जा रहा है, डिसीजन डाका साहब डिसीजन तो होना चाहिए, लेकिन 1976 में केंद्र से SYL नहर को मंजूरी मिली थी और उसके बाद से SYL जो है हरियाणा पंजाब के लिए खासकर मुद्दा ही बनकर रह गया है, इसका फायदा नहीं मिला, ये आप खुद भी मान रहे हैं, लेकिन कैसे होगा, ये कब होगा, कितने सालों बाद? देखिए इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है ना जी, वो पड़ता है इसका पंजाब के अंदर जी। पंजाब के अंदर इंजीनियर्स की हत्या हुई, 30-30 मजदूर मार दिए गए। मामला इसलिए अटका क्योंकि उस वक्त का जो दौर था, जो एक उग्रवाद से त्रस्त हमारा पंजाब राज्य था, जिस वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया इसका। फिर लोंगोवाल का समझौता होता है, उसको भी ये नहीं मानते, राजीव जी लोंगोवाल का जो हुआ जी, चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध किया और इस बार दो बार 82 और 86 से जो इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद तो बड़ी इनकी जबरदस्त मेजोरिटी आई थी जी। उस वक्त भी ये मामला 82 और 87 में चौधरी देवीलाल जी ने किया था, चौधरी बंसीलाल जी 1991-96 में, 2000 में इनेलो, 2004 और 2009 में इसको कांग्रेस समर्थकों ने भी, कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी इसको मुद्दा बनाया था, लेकिन 87 का चुनाव तो चौधरी देवीलाल केवल और केवल यही एक मुद्दा था SYL का, उनका न्याय युद्ध वाला जी। शक्ति आपातकाल लगा हुआ था देश में और उस वक्त चौधरी बंसीलाल जी की बहुत ज़्यादा चल रही थी, उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी इंदिरा गांधी के साथ, उस वक्त वो वहाँ पर ये SYL का मुद्दा का सॉल्यूशन हो सकता था आपातकाल की वजह से। लेकिन चूँकि यहाँ पर क्या हुई, जो बंसीलाल जी ने 91 किलोमीटर की जो नहर बनवाई थी उन्होंने हरियाणा के हिस्से की बनवा दी, अगर उस वक्त ये नहर पंजाब से बनवाई जाती तो हो सकता है कि उस वक्त इसका कुछ ना कुछ समाधान हो जाता, लेकिन बंसीलाल जी यहाँ से रणनीतिक तौर पे थोड़ा सा चूक गए थे। आपातकाल में एक सुनहरा मौका था बंसीलाल जी के पास इस नहर को जो पानी है हरियाणा में लाने के लिए, अगर वहाँ पर ये चूक नहीं हुई होती तो इतना राजनीति भी नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को भी, हरियाणा के किसानों को पानी सिंचाई के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता जी, पानी जरूर मिल जाता। लेकिन सवाल यही है शक्ति, मैं बार बार यही सवाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, गणेश चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश चौहान साहब इस पूरे मुद्दे को लेकर जितनी बातें होती रहीं अब तक, जितने दावे होते रहे और अभी भी जो हालात हैं, कैसे देखें उसको? महज एक मुद्दा केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए, वक्त वक्त पर इसको अपनाया, इसका फायदा उठाया, उसके बाद फिर इसको भूल गए, और अब तो ये मुद्दा वाकई मुद्दों की लिस्ट में बहुत नीचे है। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी भी कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि अगर मेरी दोबारा लोकसभा में तीसरी बार सरकार आती है NDA की तो पानी का SYL नहर का पानी मैं ला के रहूंगा, जबकि ये समय समय पर जब जिस समय चुनाव आते हैं उसी समय ये मुद्दे इन लोगों को याद आते हैं जी। जबकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के पास ये पूरी की पूरी फाइल पड़ी हुई है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी लोगों ने मांग, किसानों ने मांग उठाई थी कि SYL नहर का अब तो मुद्दा सुलझ सकता है, कारण है उसका कि दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी ने भी इस पर पहल नहीं की, खाली राजनीति की। हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया साहब भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। भाटिया साहब मुझे एक बात बताइए, सबकी बात आपने सुनी है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, अब तक इस मुद्दे के साथ जो होता रहा, इस मुद्दे का केवल फायदा उठाने की कोशिश हुई या वाकई ये मुद्दा इतना जटिल है जिसका हल ढूंढा ही नहीं जा सकता था इसलिए नहीं हो पाया, आप कैसे देख रहे हैं? जहा साहब इस मामले में सबसे ज्यादा जो दोषी हैं वो हमारे राष्ट्रीय दल हैं जी। क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र की राजनीति करनी होती है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा जो दोनों राष्ट्रीय दल थी उनकी अगर एक राष्ट्रीय नीति होती तो शायद इसका हल ढूंढा जा सकता था। आपको याद होगा 1986 में जब बंसीलाल कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने जी, चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध के समय इसको मुख्य मुद्दा बनाया हुआ था। हरियाणा के लगभग 6000 सरपंचों को SYL नहर दिखाने के लिए बंसीलाल जी ने विशेष बसों का प्रबंध किया और उनको ये दिखाया भी SYL नहर बन रही है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए। लेकिन जब कांग्रेस हरियाणा में कुछ और भाषा बोलती है, पंजाब में कोई और भाषा बोलती है जी,
तो ये सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय मुद्दा है और एक दल है तो वो राष्ट्रीय नेता जो है दोनों प्रदेशों के नेताओं को बैठाकर इस मुद्दे का हल ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति की। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं 10 साल की उनका टर्म पूरी हो रही है, लगभग 9.5 साल उन्होंने कहा है भी मेरा अगर तीसरी बार टर्म आएगी तो SYL का पानी लाएंगे। वो उनके राज में जो हांसी बुटाना नहर बनी है शायद उसमें भी पानी नहीं आ पाएगा। तो ये जितने भी हमारे दल हैं, राजनेता हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इसको वास्तव में कोई इसका पानी लाना है तो एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी और इसके लिए राष्ट्रीय दलों को आगे आना होगा। सुरेंद्र भाटिया जी, आपको याद होगा NDA के शासनकाल में एक मांग उठी थी कि, बल्कि एक प्रोजेक्ट भी लाया गया था कि सभी नदियों को राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और मिला देते हैं, सबको आपस में जोड़ देते हैं, सभी नदियों को जोड़ा जाए, सॉल्यूशन हो सकता है? तो वही मैं कह रहा हूँ, एक राष्ट्रीय नीति, जल नीति होनी चाहिए जी, राजनीतिक बिल्कुल इसका सॉल्यूशन। इससे बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये जो नदियों को जोड़ने की बात हुई थी, एक जल नीति, अगर देश में कोई जल नीति नहीं है, चीन हमारे से पीछे चला था और चीन ने कुछ नदियों को जोड़ दिया है, लेकिन हमारे यहाँ एक नहर पे जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है जी, उसको नहीं जोड़ा जा चुका है। उग्रवाद की बात करते हैं, उग्रवाद के कारण क्या पंजाब में कोई चीज रुकी है? जी, कोई चीज नहीं रुकी। एक बड़ा सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास भाटिया साहब, डागर साहब, भाटिया साहब ने कई सवाल उठाए, 10 साल मैं रोक रहा हूँ भाटिया साहब बीच में, आपको मैं आऊंगा आपके पास। डागर साहब, 10 साल हुड्डा साहब का टर्म पूरा होने वाला है, उसके बाद अब फिर वादा कर रहे हैं कि अगर लोकसभा में हमारी सरकार बनती है और हमको मौका मिलता है तो हम फिर इसकी बात करेंगे, तो ये महज एक चुनावी मुद्दा नजर आता है और प्रदेश की जनता इसको कई बार देख चुकी है मुद्दों के तौर पर। नहीं झा साहब, हम हमारी पार्टी से सहमत नहीं है जी, ठीक है, ये भाटिया साहब की अपनी व्यक्तिगत राय है, उनके विचारों का हम सम्मान करते हैं। जो हुड्डा साहब ने कहा है, अब भाटिया जी, जो उन्होंने पिछले 9.5 साल में जो बातें उन्होंने कही हैं जी, उनको उन्होंने पूरा करके दिखाया है। अगर उन्होंने ये भी कहा है तो इसमें, लेकिन ये तो दक्षिणी हरियाणा के लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, उनकी बड़ी जरूरत थी ये, तो 9.5 साल में इसको नजरअंदाज कर गए और आखिर के 6 महीनों में ये कैसे याद आ गए? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल।